हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को 18 पुराणों में से एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के जीवन से लेकर मृत्यु तक सभी बातें विस्तार से बताई गई है। इसी प्रकार पति पत्नी के रिश्ते को लेकर भी गरुड़ पुराण के आचार कांड में नीतिसार अध्याय में बताया गया है। ज्योतिषाचार्य पंडित पंकज पाठक के अनुसार बताया गया कि नीति सार में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे घर में रात में खाने के बाद जूठे बर्तन रखना, यह अशुभ माना जाता है क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। घर को साफ सुथरा ना रखना, इससे भी घर में नेगेटिव भी आती है जिससे पति पत्नी के रिश्ते के बीच में दरार पैदा होती है। साथ ही घर में कबाड़ का होना यह नुकसानदायी हो सकता है क्योंकि इसमें घर के सभी सदस्यों पर किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, यदि पति पत्नी के संबंध ठीक नहीं है, उनके बीच में आपस में मतभेद चल रहे हैं, वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का तनाव है या टकराव होता रहता है, तो कुछ वास्तु संबंधित बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही उनके वैवाहिक जीवन में उनको सुख शांति की प्राप्ति होगी, पारिवारिक जीवन में भी शांति की प्राप्ति होगी। आचार कांड में नीतिसार नाम का जो अध्याय है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि यदि घर के ईशान कोण में, आग्नेय कोण में, नैऋत्य कोण में या छत के ऊपर आपने किसी प्रकार का कचरा कबाड़ इकट्ठा करके रखा है, पुराना कोई फर्नीचर, पुराना कोई भारी सामान इन स्थानों पर रख करके रखा है, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है जो पति पत्नी के बीच के संबंधों को कम करती है, समाप्त करती है। यदि आप रात्रि में घर में झूठे बर्तन छोड़ते हैं तो भी आपके पारिवारिक जीवन में नकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार यदि घर का वातावरण दूषित है तो वह दूषित वातावरण भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है। तो जो पति पत्नी है, जो दंपत्ति है, उनको इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये तीन कही गई जो बातें हैं, ये उपरोक्त बातें हैं, ये आपके घर में ना हो, अर्थात ईशान कोण को, आग्नेय कोण को, नैऋत्य कोण को साफ सुथरा रखिए, छत के ऊपर भी किसी प्रकार का कचरा कबाड़ इकट्ठा करके ना रखें और रात्रि में झूठे बर्तन नहीं रखें और घर का वातावरण भी दूषित बना करके ना रखें। नित्य प्रति घर में भगवान का पूजन पाठ करिए, तुलसी जी को दीप लगाइए, केले के वृक्ष में जल चढ़ाइए, भगवान का पूजन करिए, घर में सुबह शाम धूप दीप लगाइए, सुबह शाम कपूर के द्वारा भगवान की आरती करिए, भगवान का भजन करिए। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी और जब सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी तो पति पत्नी के जो संबंध हैं वह मधुर होंगे, उनके बीच के मतभेद टकराव तनाव समाप्त होगा और निश्चित ही उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाएगा।